जब सुदामा जी पहुंचे तो सुदामा जी चलते चलते थक गए, पेड़ की छांव पर बैठ गए। तब भगवान स्वयं उन्हें गाड़ी वाले बनकर आकर सुदामा जी को लेकर चलते हैं। किसी भी रूप में भगवान हमारी मदद कर सकते हैं। सुदामा जी द्वारिका पहुंचे तो कन्हैया को देखकर सुदामा जी द्वारिका को देखकर कहने लगे, कन्हैया तुम्हारी बहुत याद आ रही है, क्या बताएं गोविंद। जब द्वार पर पहुंचे और द्वारपाल से कहा कि भैया जाकर हम कह दो कि बचपन का मित्र सुदामा आया है, तब सुदामा जी के कहने से द्वारपाल गया। पर बहुत देर हो गई, जब नहीं आए तो सुदामा ने कहा, कब से खड़ा हूं कन्हैया तेरे द्वार पर, क्या भूल गया अपने मित्र को। क्या कहा सुदामा ने जरा सुनिएगा। कब से खड़ा हूं द्वार।